फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड रिंग द आइकॉन बेल. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं, कैसे लग रही है वीडियोस, भले ही वो खाने की हो, इंटीरियर्स हो, गार्डनिंग के बारे में हो. गार्डनिंग फिलहाल मौसम है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो बेस्ट टाइम है प्लांट्स ग्रो करने के लिए. तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप देख सकते हो, काफ़ी सारे सीड से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो. वैसे भी कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सब्सक्रिप्शन के लिए आइकॉन बेल को रिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो चलो चलते हैं, आज किचन में क्या बनाने वाले हैं. आज किचन में हम तोरी की सब्जी बनाने वाले हैं. वैसे तो तोरी की सब्जी बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो सबको मालूम है. प्याज, टमाटर, अदरक डाला, तो नमक मिर्च हल्दी डाली, तो तोरी की सब्जी बन गई. तो ऐसे ही मैं आपको दो तीन वैरायटी बता देती हूँ. क्या आपको ये जो तोरी है इसे लंबा लंबा काट के आप इसे फ्राई करके भी, एक थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैदा डाल के, नमक डाल के इसे फ्राई करके आप अपनी दाल सब्जी के साथ खा सकते हो, ठीक है ना. या इसे लंबे लंबे प्याज, काफ़ी सारा कुछ मसाले, ड्राई मसाले डाल के भी बना सकते हो. मैंने इसकी चटनी, छिलके की चटनी भी बताई है. तो चलो आज हम पुराने ज़माने की जो बहुत ही हेल्दी वर्शन ऑफ तोरी, जनरली तोरी बच्चे नहीं खाना चाहते, जैसे ही नाम बोलोगे बड़े भी नहीं खाना चाहते, तो तोरी को बहुत ही यम्मी टेस्टी वर्शन, जो पुराने ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ें डाल के सब तोरी बनती थी, बहुत ही यम यम होती थी. तो अगर आप ऐसे बना के खिलाएंगे, बच्चे जब खाएंगे इनके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी. तो हम लोग पुराने ज़माने की तोरी का ट्रेडिशन अब हम बना देखते हैं. तो तोरी को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, आप इसे छोटा छोटा भी काट सकते हो. तो एक तोरी ले ली, उसके बाद हमें चाहिए, ये तोरी का नाम होगा ड्राई मसाला तोरी, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्राई पाउडर्स ही जाएंगे और बहुत ही ताकतवर. तो ड्राई पाउडर्स कौन से हैं, तो हमने लिया हुआ है भुना चना, मूंगफली, तिल. ये सभी चीज़ें देखो कितनी हेल्दी है, तोरी को और भी बढ़िया बना देगी. तो अदरक लेंगे थोड़ी सी, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा जीरा, थोड़ी राई, हल्दी मसाले, हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल और हिंग. पुराने ज़माने में हिंग की भी बहुत अहमियत होती थी. तो हम क्या करेंगे, ये जो भी ड्राई चीज़ें जैसे भुना हुआ चना, मूंगफली, तिल, अदरक और हरी मिर्च को हम लोग मिक्सी में पाउडर कर देंगे एक स्पून दही के साथ. चलो अभी हमने क्या किया, ये चटनी को पीस लिया फाइन पेस्ट, थोड़ा सा एक कड़छी दही डाल के. तो अभी हम चलते हैं पैन की तरफ. हमने पैन इधर गरम किया है, हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल, तिल का तेल. चलो पहले हम थोड़ी सी राई डाल देते हैं. राई जब स्प्लटर होती है तो उसमें डाल दो जीरा, थोड़ा सा जीरा, और अब डालेंगे हम लोग थोड़ी सी हिंग. हिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर खाने में हिंग डाले बहुत ही बढ़िया होती है. बस वन स्पून डालिए, तो दो मिनट भूनिए. करी पत्ता जो बहुत ही बढ़िया होता है मेडिसिनल वैल्यूज में, अभी हम डाल देंगे तोरी को. मैं आपको हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा नमक जरूर डाल देना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाता है. तो थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, जब तक तोरी नरम नहीं होती थोड़ी सी, फिर हम इसमें ड्राई मसाला डालेंगे.
भी हम डाल देंगे हल्दी, आची कड़ मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च जो घर का पीसा हुआ है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक डालेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा भूनते हैं इसको 2 मिनट। और अब हम डाल देंगे ये जो मैंने पीसा था मूंगफली का पेस्ट, अब हम इसे डाल के, कोई बिलीव नहीं कर सकेगा कि ये तोरी की सब्जी है। थोड़ा भुनने के बाद इसको ढक दीजिए ताकि अच्छा रसेदार अच्छा बन जाए। तो बढ़िया सी तोरी की सब्जी एकदम से, और ऐसे ही बना के खा सकते हो। अगर आपको लगे ग्रेवी थिक है, आप इसमें लस्सी डाल के और पतला कर सकते हो। पानी मत डालिए क्योंकि इसमें नट्स स्पाइसेस वो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों में जब भी आप मूंगफली, नारियल, तिल ऐसी चीज़ें डालते हो, पानी डालने के बजाय आपको दही डालिए। तो अगर आपको लगे कि ग्रेवी थिक होती जा रही है तो उसमें आप लस्सी डाल के पतला कीजिए। वैसे तो ऐसे बढ़िया सी है, आप परौंठी के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बनाते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा। तो चलो ये डिश अब बिफोर सर्व करने से पहले नमक तो मैंने टेस्ट कर लिया, तो अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, टेबल पे रख रहे हो, तो आप उसे प्लीज डेकोरेट जरूर करना, क्योंकि डेकोरेशन से ही बहुत बढ़िया सा दिखता है और खाने को मन करता है। तो ऐसे ही आप बनाइए, भले वो तोरी की सब्जी ही क्यों ना हो, इसको एक अलग सा रूप दे देना। तो ऐसे ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच की फॉलोइंग।